subject matter. Now we are reading exercise 5.4. That's the optional exercise of chapter 5. Dear student, I hope that 2 or 3 questions also you may solve at home. You have solved at home. Today I will take question number 4 of exercise 5.4. That the optional exercise according to you NCERT. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Dear student, we have it. किसी रो में बहुत सारे houses हैं. You may read the question again from the NCERT book. The houses are numbered from 1 to 19. So that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. Find the value of x. Ultimately, that your question you may write from the book. Dear student, try to understand what to say about the question. एक रूम में बहुत सारे मकान हैं. There are so many houses in a row. उन पे नंबरिंग पड़ा हुआ है. मान लो इस मकान पे नंबर 1 पड़ा है, इस पे 2, इस पे 3 और डॉट डॉट लास्ट वाले क्या पड़ा हुआ है 14. तो ये इनके बीच में हमने मान लो यहाँ पे कोई हाउस कंसीडर किया हुआ है जिस पर मान लो नंबर पड़ा हुआ है x पड़ा होगा. तो इससे ठीक पहले वाले मकान पे क्या नंबर पड़ा होगा? एनी वन ऑफ यू, अगर इस पे 3 है तो इससे पहले 2, इससे पहले 1, माने इस पे क्या नंबर पड़ा होगा? इस पे नंबर पड़ा होगा x माइनस 1. कौन सा नंबर पड़ा होगा? x माइनस 1. और इस पर दैट तो वो ये कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक के नंबरों का सम किया जाए और यहां से यहां तक के नंबरों का सम किया जाए तो इनका टोटल दैट इक्वल्स सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 टू 49. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से यहां तक की संख्याओं का सम, या फिर पहले इसका कर लो एस एक्स और प्लस एस x minus 1, that is equal as 49. It's a number. As a person tell rahe hai, then find the value of x. Tab aapko x ki value nikalna hai. So just to pay attention here, sx. Sx means, dekho zara, aap jante ho, sum of n terms, aap in ap, sn equal what? N by 2, E plus EL also, या फिर दोनों फॉर्मूला है SN equal N by 2 2A plus N minus 1 into D. That problem. तो either you may use here this or this. Clear? तो just to see what are the year numbers of the AP 1, 2, 3, X minus 1, X 49. इसके आगे बहुत सारे 4, 5, एटसेट्रा. तो एस एक्स क्या हो जाएगा? एस एक्स इक्वल हो जाएगा जरा ये दी जाए ना था तो दैट इक्वल आ जाएगा जरा कहां से यहां से
एक्स वाई टू और मेरा कितना होगा ए प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स एल मीन्स लास्ट। हम जरा कितने का चाहिए हमें सर एक्स का डिफरेंस होगा ना डी कितना होगा वन, तब भी आपका कितना हो जाएगा टू प्लस एक्स माइनस वन, तो दो में से एक गया वन बचा तब भी वन प्लस एक्स ही आएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है ऊपर वाला, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। यस इसको एक्स माइनस वन अपॉन टू ए प्लस एल वन प्लस एल मीन्स एक्स माइनस वन दैट इक्वल यस 49 एन बाई टू 49 एन मीन्स एन मीन्स ये 49 यस एन बाई टू टू ए प्लस ए मीन्स वन फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला क्या है एल 49 जस्ट राइट हियर I will not more hard. Please try to understand. Yes. After ये कितना आएगा? X y two. Just more hard. One plus x. X y two. After one plus x. Very nice. Plus x minus one upon two. और यहाँ जरा वन से वन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट हियर एक्स ओनली, सो दैट और हियर जरा ये 50 होगा ना, 50 को दो से डिवाइड करेंगे तो 49 इंटू 25 इतना आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जस्ट यू सी ये आपका टू नीचे कॉमन है तो एलसीएम लेंगे उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल 49 इंटू 25 इंटू टू ये वाला टू हो गया क्लियर। नाउ वो है हियर वी टेक द कॉमन एक्स आल्सो, यहाँ से एक्स आपको कॉमन मिल रहा है आई मीन तो दैट वन प्लस एक्स डियर स्टूडेंट पे अटेंशन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 49 इंटू 50 25 दूनी 50 दैट चीजों को समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट पे अटेंशन फुल्ली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। इफ यू आर कंसंट्रेटेड देन देयर इज अ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम जस्ट टू सी वन से वन कैंसिल हो गया सो दैट इंप्लाई व्हाट ये आपको हो जाएगा एक्स इंटू टू एक्स 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 टू एक्स हो गया दैट इक्वल 49 और इंटू 50 तो देयर को अटेंशन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दो से डिवाइड हो जाएगा 49 और 50 अपॉन टू टू से फिर कैंसिल कर दो तो ये आ गया 25। ये स्टूडेंट पे अटेंशन एक्स इक्वल आपका आ जाएगा रूट 49 मल्टीप्लाई 25 पे अटेंशन अब जरा हमें स्क्वायर रूट लेना है एनी वन ऑफ यू टेल व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49 मीनिंग 7 स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीनिंग 5 7 5 30 Dear student, what is the essential or required value of x? That is the 30. That is the proper answer. That is the value of x. So, dear student, I hope that question is not hard. Clear? In this way, you may find the proper solution. What formula you used here? Sum of n terms. Clear? Now, only one question is remains. In this exercise, that question number is 5. So that we left you as the so yes, dear student, you may write down X W. आप लोग X W लिख सकते हो.
complete exercise, complete exercise, exercise 5.4.